देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कौन नेपो किड है और कौन नेपो किड नहीं है। अगर काम अच्छा है तो प्रशंसा मिलेगी, अगर काम अच्छा नहीं है तो यार देखो दूसरे और तरीके भी होते हैं मजे लेने के। यार अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालने से मतलब है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा खाली पीली मूवी के बारे में। अगर आप लोग इस मूवी की रेटिंग IMDB के वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा 1.8 out of 10 स्टार इसको दिए गए। ऑब्वियसली लोगों ने इसके ऊपर अपना गुस्सा निकाला है। देखो यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा ऐसी अच्छी खासी मूवी के ऊपर। यार इसमें इतनी अच्छी खासी यानी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, अनन्या पांडे वो है इस मूवी में यार। और तुम्हें क्या पता यार उस लड़की ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया। तुम्हें तुम चिंदी चोरों चिंदी लोगों को बिल्कुल नहीं पता यार, वो BMW से उस लड़की का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। तुम्हें अंदाजा भी है BMW क्या होती है? उस लड़की ने BMW से उसमें कैसे बैठना, उसको कैसे चलाना यार, कितना स्ट्रगलिंग भरा काम है यार। तुम लोगों ने कभी लेके देखी हो तब तुम्हें पता चले स्ट्रगल किस चीज का नाम है। इसे डायरेक्ट किया है मकबूल खान ने। इसके अंदर कास्ट है जयदीप अहलावत, ईशान खट्टर और मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे और बाकी अन्य अन्य कलाकार। चलो अब इस मूवी की अद्भुत कहानी के बारे में बात करते हैं। और ऐसी कहानी मैं गारंटेड कह सकता हूं तुम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी। यानी एक यूनिक आइडिया लेके आए हैं इस बार ये। विजय नाम का एक लड़का अपने घर से भागकर मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर उसका नाम जो ब्लैकी पड़ता है और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसी एज में बात कर रहा हूं जो वो छोटा सा एक बच्चा होता है, तो इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम है पूजा। अब ये समझ लो यार ये बचपन का प्यार है। बचपन में ये दोनों एक दूसरे से किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर जब बड़े हो जाते हैं ये फिर से मिलते हैं। अब जब बड़े हो चुके हैं 10 साल बाद जब ये फिर से मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। और लड़की जो है वो कहीं से भाग कर आई, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और ये भाग कर आती भी किसके पास है? उसी लड़के के पास। और कमाल की बात देख रहे हो तुम यार, मतलब तुम इसमें इमेजिनेशन देखो यार। इन दोनों ने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा यार। मूवी जो है वो हाफ से ज्यादा खत्म हो चुकी है और वो एक दूसरे का नाम भी अभी तक इन्होंने नहीं पूछा। तुम गहराई समझो इस कहानी की, कितनी जबरदस्त कहानी लिखी है। एक तरीके से सड़ी हुई सब्जी को नए टिफिन में डालकर दिया जा रहा है। ये क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये किसने लिखा है यार स्क्रिप्ट में? तो क्या हुआ यार तुम लोगों को अगर सड़ी हुई सब्जी खाने को मिलती है जिसके कारण तुम्हें उल्टी होती है? और ऐसा इस मूवी को देखने पर होता है कि तुम जब इस मूवी को देखोगे तुम्हें उल्टी हो जाएगी। बट जब सड़ी हुई सब्जी तुम्हें नए टिफिन में मिल रही है तो टिफिन तो तुम्हें एक तरीके से नया मिल रहा है। और ऐसा ही इस मूवी के साथ है कि तुम्हें एटलीस्ट अनन्या पांडे की एक महान एक्टिंग देखने को इसमें मिल जाएगी। और जब मूवी हाफ से ज्यादा खत्म हो जाती है और दोनों को एक दूसरे का नाम भी पता चल जाता है, जब पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बचपन में प्यार करते थे, वही दोनों वे सेम है, तब तक भाई साहब बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की को गुंडे उठा के लेके जा चुके होते हैं। यार तुम देख रहे हो यार कितनी यूनिक कहानी सुना रहा हूं यार। मुझे यार सच में हंसी आ रही, मतलब हंसी नहीं, मतलब क्या कहूं यार, मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है इतनी अद्भुत कहानी सुनाने की। पता नहीं लोग कैसे सोच लेते हैं इतनी महान कहानी यार, यार मैं तो सोचूं भी ना यार ऐसी कहानी। अब देखो यार गुंडों का ले जाना तो स्वाभाविक था ना यार, देखो सड़ा हुआ स्वाद कैसे देंगे मूवी में। अब लड़का जो है वो बचाने कैसे जाएगा? अब गुंडे जब उठा के लेके चले जाते हैं तो लड़का जो है वो जाकर गुंडों से उस लड़की को बचाता है। फिर इन गुंडों का भी गुंडा आता है, मतलब एक तरीके से सरदार आता है, वो फिर से इस लड़की को फिर उठाने की कोशिश करता है। लड़का फिर बीच में आ जाता है और लड़की को फिर से वो बचा लेते हैं। यार देखो एंडिंग यहीं पर होती है, अच्छी खासी एंडिंग भाई। लड़के ने लड़की को बचाया गुंडों से और दोनों साथ साथ खुश रहने लग गए। यही इस मूवी की सड़ी हुई कहानी और यही इसका सड़ा हुआ एंड है। और इस तरीके की कहानी हम पता नहीं कितनी बार बॉलीवुड में देख चुके हैं। ये कब का कॉन्सेप्ट उठा के लेके आ गए हैं 2020 के अंदर? अबे तुम्हें शर्म आती है तुम लोगों को, मतलब सर्च करने की भी कोई, मतलब कोई ढंग का राइटर पकड़ो, कोई नई कहानी लगाओ, कुछ सोचो समझो यार। तुम्हें जरा भी मतलब हिम्मत नहीं काम करने की, इतने आलसी हो गए हो, मतलब कि पुराना कॉन्सेप्ट उठाकर लोगों को परोस दो यार, उसमें क्या पता चलेगा यार? तुम्हें क्या लगता है कि लोग इसके ऊपर मतलब पैसे दें, पैसे मिल जाएंगे, तुम पैसे छाप लोगे, वाह वाह मिल जाएगी? नहीं 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 ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ और मिलेगा। पता है क्या मिलेगा? जाकर एक बार जहां पर तुम लोगों ने अपने ये वीडियो का ट्रेलर, मतलब इस मूवी का ट्रेलर अपलोड किया था ना यूट्यूब चैनल पे, जरा जाकर वहां के कमेंट बॉक्स को खोल लेना। अच्छी अच्छी गालियां जो है वो तुम लोगों को सीखने को मिल जाएंगी। लोगों ने भरपूर तुम्हें प्यार दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्यार दिया हुआ है, जाकर वहां पर सीखो कि लोग तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार मोस्ट स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अनन्या पांडे यार, उसके जो एक्टिंग के ऊपर मैं कैसे सवाल उठा सकता हूं यार। उसके एक्सप्रेशन यार कसम से कितने यार, मतलब वाहियात वाहियात क्या, मतलब कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ना अपने एक्टिंग और अपनी बुद्धि के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। मतलब इतने बकवास, मतलब यार तुम छोड़ो यार छोड़ो इस चीज को। और मैं
एक ही इंसान की मुझे इसके अंदर एक्टिंग अच्छी लगी, वो है जयदीप अहलावत। वाकई में सीरियसनेस उनमें थोड़ी बहुत दिखी मुझे इस मूवी में। देखो मूवी में बिल्कुल भी 1% नयापन नहीं है, वही पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने परोसा गया है। बस ने एक नया चेहरा लेकर अनन्या पांडे, ईशान कट्टर इन लोगों को लाकर तुम्हारे सामने एक, मतलब कुछ भी यार भाई, मैंने कहा ना सड़ी हुई सब्जी को नए टिफिन में डाल के तुम्हारे सामने दिया गया, जिसको खाओगे ऑब्वियसली उल्टी आएगी आएगी। अब ये शायद मूवी उन लोगों को पसंद आ सकती है जो मंद बुद्धि जो लोग होते हैं, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और उनको लगता है ओह मेरे फेवरेट एक्टर है, ये तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, इसके बारे में लोगों ने कैसे कुछ बोल दिया, अरे इसने तो अच्छी एक्टिंग की होगी। भाई उन लोगों को यार तुम, उनका दिमाग तो वैसे भी यार अपने घुटनों में होता है, उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं कर सकता, उनको समझाना यानी एक तरीके से भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। खैर छोड़ो, जो समझदार ऑडियंस है मैं उनके उनसे ही कह सकता हूँ यार ये मूवी यार कोई भी काम की नहीं है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 1 out of 10 स्टार, और 1 भी इसलिए क्योंकि जयदीप अहलावत सर जो हैं इसके अंदर अच्छी एक्टिंग है, उनके लिए मैंने इनमें इस मूवी को दिया है। बाकी इसमें देखने लायक तो कुछ था भी नहीं यार। खैर अगर जिन्होंने ये मूवी देख ली है और उनको अपना दुखड़ा रोना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है यार, दुखड़ा रो, हम मैं आपके साथ मिलके दोनों बैठ के मिलकर के वहाँ पर दुखड़ा रोएंगे। और जिन्होंने नहीं देखी है, अगर तुम सोचते हो कि मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो यार थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से देख लेना, शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।